सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में, जानेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है, कैसे उसका फॉर्मुलेशन किया जाता है, सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इस LPP को, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को अगर समझना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैथमेटिक्स का वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। LPP को समझाने के पहले सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ LPP के बारे में समझ में आ जाएगा, क्या होता है LPP या इसमें किस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। ये फॉर्म मैन्युफैक्चरर्स टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स A and B एंड सेल्स देम एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹2 ऑन टाइप ए एंड ₹3 ऑन टाइप बी। Each product is processed on two machines G and H. Type A requires 1 minute of processing time on G and 2 minutes on H. Type B requires 1 minute on G and 1 minute on H. The machine G is available for not more than 6 hours 40 minutes, while machine H available for 10 hours during any working day. Formulate the problem as a linear programming problem. तो फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन कहता है, इस क्वेश्चन को हम लोग एक टेबल में पहले लिख देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग को क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना आसान होगा। जो अभी लैंग्वेज में आप प्रॉब्लम देख रहे हैं, इसको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम के रूप में फॉर्मुलेट करना है। तो क्या होता है फॉर्मुलेशन, इसी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चरर्स जो है वो दो टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, ए और बी टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है और सेल करता है, और उसके प्रोडक्ट में जो प्रॉफिट होता है वो ए टाइप के प्रोडक्ट में ₹2 का प्रॉफिट होता है और बी टाइप के प्रोडक्ट में ₹3 का प्रोडक्ट प्रॉफिट होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइप ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, और टाइप ए और टाइप बी दो तरह का प्रोडक्ट है। प्रॉफिट हम लोग यहाँ लिखे हुए प्रॉफिट पर यूनिट, तो टाइप ए में ₹2 का प्रॉफिट होता है, टाइप बी में ₹3 का प्रॉफिट होता है। और जो फर्म है जब ये प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, जब ये बनाता है, तो दो तरह के मशीन में इसका प्रोसेसिंग होता है। तो दो तरह के मशीन में कौन कौन सा मशीन है, एक जी मशीन है और एक एच मशीन है। तो जी मशीन में टाइप ए को बनाने में 1 मिनट का टाइम लगता है। देखिए लिखा हुआ है, ईच प्रोडक्ट इज प्रोसेस्ड ऑन टू मशीन जी एंड एच। टाइप ए रिक्वायर्स 1 मिनट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑन जी एंड 2 मिनट ऑन एच। टाइप ए का जी में 1 मिनट टाइम लगता है और एच मशीन में 2 मिनट टाइम लगता है। तो ये 3 मिनट्स में टाइप ए का एक प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। अब टाइप बी के बारे में लिखा हुआ है कि टाइप बी रिक्वायर्स 1 मिनट ऑन जी। टाइप बी का जी मशीन में 1 मिनट टाइम लगता है एंड 1 मिनट ऑन एच, और एच मशीन में भी 1 मिनट टाइम लगता है। तो ये दोनों मशीन मिला करके 2 मिनट टाइम लगता है टाइप बी के प्रोडक्ट को तैयार करने में। आगे लिखा हुआ है कि द मशीन जी इज अवेलेबल फॉर नॉट मोर देन 6 आवर 40 मिनट। मशीन जी के पास 6 आवर 40 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं है, वो पूरे वर्किंग डेज में 6 आवर 40 मिनट्स ही काम कर सकता है। तो 6 आवर 40 मिनट्स को आप मिनट में बदल दीजिएगा तो 400 मिनट हो जाएगा। ये अवेलेबल टाइम हो गया मिनट्स में जी मशीन के लिए 400 मिनट्स, एंड एच मशीन के लिए लिखा हुआ कि 10 आवर्स ड्यूरिंग एनी वर्किंग डेज। मशीन एच के पास टोटल टाइम कितना है, 10 आवर्स है। 10 आवर्स वो पूरे 24 घंटे में वो काम कर सकता है, वर्किंग डेज में काम कर सकता है। तो 10 आवर्स को मिनट में बदल दीजिएगा तो 600 मिनट्स हो गया। तो क्या क्या हो गया कि जो फर्म है टू टाइप्स का प्रोडक्ट को तैयार कर रहा है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए को बनाने में मशीन जी में 1 मिनट टाइम लगता है और एच मशीन में 2 मिनट टाइम लगता है। टाइप बी का एक प्रोडक्ट तैयार करने में जी मशीन में 1 मिनट और एच मशीन में भी 1 मिनट टाइम लगता है।
जी मशीन के पास टोटल टाइम अवेलेबल है 400, इतने समय वो काम कर सकता है, और एच मशीन काम कर सकता है 600 मिनट। और अब हम लोग को पता करना है, फॉर्मुलेट करना है इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकल तरीके से, ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सके। कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी ये चाहती है कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके, इसके लिए इस सवाल को हम लोग को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है। तो चलिए कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, कौन सा टाइप का प्रोडक्ट को कितना तैयार करें ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ये हम लोग को पता करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि लेट फर्म मैन्युफैक्चर्स एक्स प्रोडक्ट ऑफ टाइप ए, टाइप ए का एक्स प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, एंड वाई प्रोडक्ट ऑफ टाइप बी, टाइप बी का वाई प्रोडक्ट तैयार कर रहा है। तो द गिवन डेटा कैन बी पुट इन द फॉलोइंग टेबल, मैं टेबल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी डेटा दिया हुआ था क्वेश्चन में उसको हम लोग एक टेबल में लिख लिए, तो टेबल में लिखने से आसानी से हम लोग आगे लिख सकते हैं, नहीं तो वो बार बार वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ये टेबल में ये सारा कुछ क्लियर हो गया है, अब यहाँ से हम लोग आसानी से इसको मैथमेटिकल तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो सिंस द प्रॉफिट ऑन टाइप ए इज रुपीज टू, टाइप ए का प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट में 2 रुपया का प्रॉफिट है, और टाइप बी के एक प्रोडक्ट में 3 रुपीज का प्रॉफिट है। तो देखिए टाइप ए में 2 रुपीज का प्रोडक्ट प्रॉफिट होता है, और टाइप ए का कितना प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, एक्स प्रोडक्ट तैयार कर रहा है। तो एक प्रोडक्ट में 2 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्स प्रोडक्ट में कितना रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, 2x रुपीज का। तो 2x विल बी द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एक्स यूनिट ऑफ टाइप ए। इसी तरीके से बी प्रोडक्ट को बनाता है वाई यूनिट, तो एक यूनिट में 3 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो वाई यूनिट बनाने में कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ, सिमिलरली 3y विल बी द प्रॉफिट ऑन सेलिंग वाई यूनिट्स ऑफ टाइप बी। अब हम लोग मान लेते हैं लेट जेड बी द टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग एक्स यूनिट ऑफ ए एंड वाई यूनिट ऑफ बी। जेड जो है वो टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं, एक्स यूनिट बना रहा है टाइप ए का और वाई यूनिट बना रहा है टाइप बी का, तो टोटल प्रॉफिट हम लोग मान लेते हैं कि जेड है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, ये 2x हो गया ए यूनिट के लिए, ए टाइप के लिए, और 3y हो गया बी टाइप के प्रोडक्ट के लिए। तो टोटल प्रॉफिट जेड जो है वो 2x प्लस 3y रुपीज हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए टाइप ए को बनाने में जी मशीन में 1 मिनट टाइम लगता है एक प्रोडक्ट बनाने में, और एक्स प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो एक्स प्रोडक्ट बनाने में कितना मिनट टाइम लग जाएगा, 1 मिनट लग जाएगा। और टाइप ए को, टाइप बी का एक प्रोडक्ट बनाने में भी यहाँ पर 1 मिनट टाइम लगता है, जी मशीन के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। जी मशीन के बारे में पहले देखिए कि टाइप ए का बनाने में 1 मिनट टाइम लगता है, और टाइप बी को भी 1 मिनट टाइम लगता है, तो इसका एक्स प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, मतलब 1 मिनट टाइम लग गया, इसका वाई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो वाई मिनट टाइम लग गया। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा दोनों प्रोडक्ट मिला करके, जी मशीन के लिए एक्स प्लस वाई। तो देखिए मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ कि सिंस मशीन जी टेक्स 1 मिनट टाइम ऑन टाइप ए एंड 1 मिनट टाइम ऑन टाइप बी, तो द टोटल टाइम रिक्वायर्ड ऑन मशीन जी इज एक्स प्लस वाई। अब जी मशीन में दोनों टाइप के प्रोडक्ट को बनाने में जो टाइम लगा, एक्स यूनिट ऑफ टाइप ए एंड वाई यूनिट ऑफ टाइप बी, तो टोटल टाइम कितना लग गया, एक्स प्लस वाई। और जी मशीन में कितना टाइम अवेलेबल है, जी मशीन के पास टाइम जो है वो 400 मिनट्स है, इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता है वो, उससे कम काम कर सकता है, उससे कम ला काम ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा काम हम लोग उससे मशीन में नहीं ले सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो मशीन को बैठा करके रख सकते हैं अगर प्रोडक्ट तैयार नहीं करना है, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं। तो जो टोटल टाइम जी मशीन में लगा है एक्स प्लस वाई, वो बट मशीन जी इज नॉट अवेलेबल फॉर मोर देन 6 आवर एंड 40 मिनट, यानी 400 मिनट से उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जो टोटल टाइम लगा है वो लेस देन और इक्वल टू 400 होगा, ना तो 400 से ज़्यादा होगा, उससे कम ही होगा, या उसके इक्वल हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा 400 से ज़्यादा नहीं होगा x प्लस वाई। तो एक ये इक्वेशन बन गया, इन इक्वेशन बन गया x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 400। अब हम लोग एच मशीन के लिए सिमिलरली देखते हैं कि एच मशीन में कितना टाइम लगता है दोनों टाइप के प्रोडक्ट को बनाने में। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर देखिए टाइप ए को बनाने में 2 मिनट का टाइम लगता है एच मशीन में, तो एक्स यूनिट बनाया जा रहा है, तो एक्स यूनिट बनाने में 2x टाइम लग जाएगा, और टाइप बी में
एच मशीन में कितना मिनट लगता है, एक प्रोडक्ट बनाने में 1 मिनट लगता है, तो वाई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो वाई मिनट हो जाएगा, तो 2x मिनट टाइप ए के लिए और वाई मिनट टाइप बी के लिए, तो टोटल टाइम 2x प्लस वाई हो गया और वो 600 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फोर मशीन एच वी हैव 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 600। ऑल्सो x और y नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों x और y नेगेटिव नहीं हो सकता है? क्योंकि ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट है जितना प्रोड्यूस करता है फर्म, तो नेगेटिव नंबर में तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, माइनस टू प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो जरूर वो पॉजिटिव में प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए x भी जो है वो पॉजिटिव होगा, 2 यूनिट 3 यूनिट 5 यूनिट या 200 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, तो x पॉजिटिव होगा, 0 हो सकता है वो प्रोड्यूस, मान लीजिए टाइप ए का एक भी प्रोडक्ट तैयार नहीं करता है तो 0 हो सकता है, और y भी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो क्या अभी तक हम लोग कर चुके हैं जरा उसके बारे में देखिए। तो देयरफॉर द गिवन एलपीपी, एलपीपी शॉर्ट में लिखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, द गिवन एलपीपी can be formulated as, अब देखिए ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट z इक्वल टू कितना था, z प्रॉफिट 2x प्लस 3y, इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू, यहाँ कुछ कंडीशन आया है, क्या कंडीशन आया था, सबसे पहला कंडीशन आया था x प्लस y लेस देन इक्वल टू 400 मशीन एच के लिए, और दूसरा कंडीशन आया है देखिए यहाँ पर 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 600, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 600, और x और y के साथ क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को हम लोग मैथमेटिकल तरीके से लिख चुके हैं कि इस z को मैक्सिमाइज करना है, 2x प्लस 3y z है, और इसके इसको मैक्सिमाइज करने के लिए कुछ कंडीशन है, इसी कंडीशन को फॉलो करना है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 400, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 600, और x और y दोनों नॉन नेगेटिव है। तो ये जो एलपीपी था इसको इस तरीके से मैथमेटिकली हम लोग लिख दिए, इसी तरीके का इस लिखने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। तो ये फॉर्मुलेट हो गया एलपीपी, हम लोग जब मैथमेटिकल तरीके से लैंग्वेज में जो प्रॉब्लम है उसको मैथमेटिकल तरीके से जब लिख देते हैं तो वो कहलाता है फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। तो ये फॉर्मुलेशन हो गया। अब देखिए इस एलपीपी में है क्या, हम लोग को पढ़ना क्या है, इसी टाइप का सवाल है जिसमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है या कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, या कोई भी कंपनी जब लगाती है तो वो चाहती है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे या कॉस्ट को जो है वो मिनिमाइज करे, तो ये उसके साथ में कुछ कंडीशन लगा हुआ रहता है, उसके पास रॉ मटेरियल लिमिटेड होता है, कैपिटल लिमिटेड होता है, वर्कर लिमिटेड होता है, मशीन का जो टाइम है वो लिमिटेड होता है, तो वो लिमिटेशन के साथ जो लिमिटेशन है उस लिमिटेशन को फॉलो करते हुए वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है या कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहता है। तो ऐसे प्रॉब्लम को ही हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नाम क्यों रखा गया है, लीनियर क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें जो भी इन इक्वेशन या इक्वेशन आता है वो लीनियर है, और प्रोग्रामिंग क्यों, क्योंकि एक प्लान ऑफ एक्शन है, बहुत सारे एक्शन को हम लोग प्लानिंग करते हैं कि कितना प्रोडक्ट तैयार करना है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो एक प्लान ऑफ एक्शन है तो इसीलिए प्रोग्रामिंग, और एक प्रॉब्लम है ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है तो इसीलिए प्रॉब्लम कहते हैं, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इसीलिए हम लोग इसका नाम रखे, इसीलिए इसका नाम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में तीन तरह का चीज होता है, सबसे पहले ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यही ऑब्जेक्ट है हम लोग का, यही हम लोग को सॉल्व करना है, हम लोग को मैक्सिमाइज करना है जेड को, तो यही ऑब्जेक्ट है तो इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और ये जो दो तरह का इन इक्वेशन दिख रहा है इसको कंस्ट्रेंट कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स, तो ये कंस्ट्रेंट हो गया, और ये हो जाता है नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस, इसको हम लोग कहते हैं नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस।
तो जब भी ये एलपीपी को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन ज़रूर रहता है। तो ये तीन पार्ट हो जाता है एलपीपी का। सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, यही ऑब्जेक्ट है, यही उद्देश्य है हम लोग का, इसी को मैक्सिमाइज करके निकालना है। लेकिन कुछ कंडीशन है तो जो कंडीशन दिया हुआ है वो कांस्टेंट कहलाता है और साथ में एक्स और वाई नॉन नेगेटिव होता है तो ये नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस कहलाता है। तो ये तीन पार्ट हो जाता है एलपीपी का। अब हम लोग देखते हैं एलपीपी का सॉल्यूशन क्या होता है या सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में देखिए। सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, ये सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स वाई, हम लोग यहाँ पर अभी दो ही वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं लेकिन दो से अधिक वेरिएबल हो सकता है। लेकिन जब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं तो एलपीपी में दो ही वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ पर एलपीपी में एन वेरिएबल तक हो सकता है। तो फिलहाल मैं दो वेरिएबल के बारे में ही लिख रहा हूँ कि ये सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन ऑफ ये एलपीपी इफ इट सेटिस्फाइड द कंस्टेंट ऑफ एलपीपी। एक्स वाई जो वेरिएबल है उसको उसका कई एक सॉल्यूशन मिल सकता है, एक्स वाई का कई एक वैल्यू मिल सकता है। तो जितना भी वैल्यू मिलता है जो कंस्टेंट को सेटिस्फाई करता हो तो उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए, आप मान लीजिए एक एलपीपी ले रहे हैं, मैक्सिमाइज करना है इसको, ये दो कंस्टेंट हो गया और ये नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस हो गया। तो कंस्टेंट यही है, इसको सेटिस्फाई करने वाला, दोनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कई एक एक्स वाई का वैल्यू मिल सकता है, तो सारे वैल्यू को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। जैसे देखिए यहाँ पर कौन कौन सा वैल्यू मिल सकता है, क्लियरली एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू टू, ये भी सेटिस्फाई करेगा। आप चेक करके देख सकते हैं, एक्स की जगह वन बैठाइए, वाई की जगह टू बैठाएंगे तो टू टू जब फोर प्लस वन फाइव आ रहा है, लेस देन सिक्स है। यहाँ एक्स की जगह वन बैठाएंगे थ्री, वाई की जगह टू बैठाएंगे तो थ्री प्लस टू फाइव, फाइव भी ट्वेल्व से छोटा है तो वन और टू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से ये चेक कर सकते हैं, माइनस टू और थ्री भी सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह माइनस टू लिखते हैं, वाई की जगह थ्री, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स में टू सब्ट्रैक्ट करते हैं फोर, सिक्स से छोटा है। यहाँ पर पुट करते हैं थ्री टू जा माइनस सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स में थ्री ऐड करते हैं तो माइनस थ्री लेस देन ट्वेल्व आ रहा है। तो इसी तरीके से माइनस वन माइनस टू भी चेक करके देख सकते हैं इसको सेटिस्फाई करेगा, टू और माइनस थ्री भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x और y का जितना वैल्यू भी सेटिस्फाई करता है सिर्फ कंस्टेंट को, तो कंस्टेंट को जो सेटिस्फाई करता है उसी को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस LPP। तो कंस्टेंट को सेटिस्फाई करने वाला को ही सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर वो नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस को भी सेटिस्फाई कर दे, वो सॉल्यूशन अगर नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस को भी सेटिस्फाई कर दे तब उसको फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे देखिए ये नॉन नेगेटिव भी है और ये कांस्टेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो कांस्टेंट और नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन को अगर सेटिस्फाई करे तो इसको हम लोग कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। ये फिजिबल सॉल्यूशन हो गया, ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि ये नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई नहीं करता है, ये भी नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, तो ये सब फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन ये जो है वो फिजिबल सॉल्यूशन है जो कांस्टेंट और नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन दोनों को सेटिस्फाई करता है। अब ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन किसी को कहते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन भी कई हो सकता है, बहुत सारे फिजिबल सॉल्यूशन हो सकता है। तो वैसा फिजिबल सॉल्यूशन जो इसको ऑप्टिमाइज कर दे, ऑप्टिमाइज यानी कि या तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ मैक्सिमाइज पूछा जा रहा है तो वैसा फिजिबल सॉल्यूशन लेंगे जो इसको मैक्सिमाइज कर दे उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये हुआ सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। मैं इसका एक नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूंगा, उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ग्राफिकल मेथड से एलपीपी को सॉल्व कैसे करते हैं। आज हम लोग डिस्कस किए हैं कि एलपीपी किसे कहते हैं, फॉर्मूलेशन क्या होता है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। लेकिन ग्राफिकल मेथड से जो सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।